नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास यादव, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। मैं इस समय आजमगढ़ में हूं, गोवर्धनपुर गांव में। प्रधान जी हरीश पाठक जी हैं, इनके यहां शूटिंग चल रही है। शूटिंग का सेट यहां तैयार है, अगल बगल थोड़ा सा कहीं कैमरा मैन दिखा दीजिए। ये सब देखिए, जब शूटिंग देखने के लिए आए हैं और कुछ कलाकार भी यहां बैठे हैं। ज़रा इधर दिखाइए, जो है ये बैठे हैं, थोड़ा बैठी हैं, ये सब कलाकार ही हैं फिल्म के। इन लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप भी कुछ रोल कर रही हैं इसमें? मैं दादी का किरदार निभा रही हूँ। अच्छा। और ये कंपनी इतनी अच्छी है, इन लोगों का इतना मैं कुछ बयां नहीं कर सकती हूँ। आज तक इतनी उम्र में मैंने पहली बार ऐसा कंपनी हमने देखा है। दादी जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है। अच्छा, आप अक्सर दादी का ही रोल करती हैं? नहीं, कभी जो मिल जाता है वही कर लेते हैं। इसमें दादी जी हैं? हाँ, इसमें दादी। फिल्म मंडप है? हाँ, फिल्म मंडप है। अच्छा। आप थोड़ा सा आप क्या? नमस्ते, मैं विद्या सिंह, मैं माँ का रोल कर रही हूँ इसमें, दिनेश जी की माँ का। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे उनके साथ काम करके। और ये हम लोग आजमगढ़ में शूट कर रहे हैं। अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हम लोग मंडप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। एक और कलाकार है, क्या नाम है आपका? ऋतु चौहान। और सबसे पहले भारत कवरेज न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। तो आप क्या रोल कर रहे हैं? मैं दिनेश सर की बहन का रोल कर रही हूँ। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छी मूवी है, एस आर के म्यूजिक से हो रही है, मंडप फिल्म का नाम है और बहुत ही प्यारी मूवी है। तो चाहेंगे कि जैसे एस आर के म्यूजिक पे जितने भी फिल्म आए, आप लोग इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिए, वैसे बहुत उम्मीद है, भरोसा है कि ये फिल्म भी आएगा तो आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। बहन का रोल क्या है इसमें? बहन क्या करती है? घर में है, फैमिली में है, भैया का शादी हो रहा है, इंजॉय कर रही है, दुख सुख सब है इसमें। कोई दहेज वहेज का दबाव तो नहीं बनाती इस फिल्म में बहन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता जी आप? माँ भी नहीं बनाती है। माँ नहीं बना रही है? आएगी तो आप लोग देखिए। नहीं, कुछ ऐसे एक कहानी हमने अभी दिनेश भाई से बात हुई, हमारी हुई है इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि एक जो है दहेज पे इस तरह की फिल्म है, इस पे जो है, तो मैंने कहा कि आप उनके घर के होंगे तो ज्यादा दहेज के लिए दबाव आप लोग बना रहे होंगे। अब सब हम ही लोग बता देंगे तो फिल्म कैसे देख, फिल्म देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा सब चीज, है ना। तो कुछ तो न्यूज रहने दीजिए बाकी का फिल्म आने के बाद। अच्छा। ये हमारी एस आर के कंपनी की मूवी है, बहुत अच्छी कंपनी हमारी है। अच्छा, दादी जी से बार हम बात करें। दादी जी, आप क्या रोल में, क्या आप कहानी कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, ज्यादा मत बताइए। अरे हमको क्या है, हमको हुक्का पकड़ा दिए, मैं हुक्का पीती रहती हूँ, ये फैमिली की सबसे बड़ी। दादी लोगों का काम यही है कि हुक्का पीते रहते हैं, मेरे बच्चा का बात होता है, ब्याह शादी की बात होती है, हम बड़े खुश होते हैं कि मेरे पोते की शादी हो रही है। पोते की शादी हो रही है तो दादी जी तो दबा, अरे दादी बहुत मेन होती हैं, दादी जहाँ ना कर देंगे वहाँ शादी नहीं होगी। नहीं तो उसमें उनके बाप का, मेरा बेटा जो बने हैं वो बड़े खड़ूस है। बेटा बात नहीं मान रहे हैं आपके? बेटा नहीं, वो अपने ही चलाया जा रहा है, जब देखो मेरे पोते पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। देखिए ये जो मंडप की फिल्म बन रही है, ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और आप लोग देखेंगे जब फिल्म आएगी तो फिल्म देखेंगे, पूरे परिवार को देखने लायक है, पारिवारिक फिल्म बन रही है। हाँ, पारिवारिक है, बहुत अच्छी फिल्म है और बच्चे फिल्म। इसे मंडप की जो फिल्म यहाँ शूटिंग हो रही है गोवर्धनपुर में, ये सब उसी फिल्म के कलाकार हैं। दादी जी हैं, ये माँ बनती हैं, ये बहन जी जिससे हमने बात किया है। फिल्म बहुत अच्छी है और समाज को एक नई दिशा देने वाली फिल्म है। तो आप लोग जब ये फिल्म रिलीज हो तो ज़रूर देखिए।